नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में यहाँ पर दिखाएंगे, अगर पेमी इंडिया का अगर आपका ओवरड्यू होता है या फिर आपका लोन, आप जो है लोन की रीपेमेंट नहीं करते हैं, तो आपके साथ में यहाँ पर क्या क्या समस्या आ सकती है और मेरे साथ में यहाँ पर क्या क्या समस्या आई है। चलिए दोस्तों, हम पेमी इंडिया ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते दोस्तों, हमें पेमी इंडिया ऐप को यहाँ पर ओपन कर लिया है। यहाँ पर इसके पर्सनल लोन एक्टिव दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 9,396 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद 10 नवंबर 2022 यहाँ पर जो है ड्यू डेट दिखा रहा है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, ओवरड्यू बाय यहाँ पर 624 दिन लिखा गया है, मतलब 624 दिन से हमारा जो लोन है ओवरड्यू चल रहा है दोस्तों। उसके बाद हम लोन के ऑप्शन पर ओके कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ रीपे नाउ का भी ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे हम टैप करते हैं तो 9,396 रुपये यहाँ पेमेंट करने का हमें बताया गया है दोस्तों। और दोस्तों, हम यहाँ पर जो होम स्क्रीन पर कर लेते हैं इसके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोन दिखा रहा है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको बताते हैं कितने रुपये का हमने यहाँ से लोन लिया था दोस्तों। हमने यहाँ से जो है देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हमारा अमाउंट हुआ था 3,811 रुपये, इंटरेस्ट रेट 0.1, और यहाँ पर जो है बैंक दिखा रहा है और यहाँ पर पेड दिखा रहा है 9,396 रुपये, लेफ्ट दिखा रहा है। व्यू डिटेल पे हम यहाँ पर ओके करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, 15/9/2022 को यहाँ पर अप्लाई किया था हमने, डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 30/9/2022 को, रिपेमेंट जो है 10/11/2022 को हमें करना था। और यहाँ पर देखते हैं 9,396 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पर जो है 4,000 रुपये हमारा सेंशन हुआ था दोस्तों। उसके बाद इससे 4,100 रुपये यहाँ पर जो है ओरिजिनल ड्यू अमाउंट लिखा गया। उसके बाद दोस्तों, हम यहाँ से बैक कर लेते हैं दोस्तों। हमारे अकाउंट में जो है 3,350 रुपये अकाउंट में आया दोस्तों, और 3,350 आने के बाद दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है कम से कम जो है यहाँ पर देख सकते 624 दिन से हमने यहाँ पर रिपेमेंट नहीं किया दोस्तों। तो आपको यहाँ पर क्या क्या समस्या आ सकती है दोस्तों? समस्या ये आएंगी दोस्तों कि आपका जो सिविल स्कोर है वो ख़राब हो जाएगा दोस्तों। सिविल स्कोर जो है, जब तक आप इसे लोन की पेमेंट नहीं करें तब तक आपका जो सिविल स्कोर है सही नहीं हो पाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है व्हाट्सएप पे धमकी भरे मैसेज आया करेंगे, कॉलिंग पे आया करेंगे दोस्तों। आपको जो है डेली कम से कम दिन में 10-20 कॉल आया करेंगे, कभी कभी 100-100 कॉल आएंगे दोस्तों। कभी कभी वो व्हाट्सएप मैसेज आया करेंगे धमकी भरे दोस्तों आपको, कि आज पेमेंट कर दीजिए, एजेंट हम आपके घर पे आएंगे, ऐसा वैसा। दुनिया भर का जो NBFC है दोस्तों, उसके बाद भी ये जो इस टाइप की हरकत करता है दोस्तों। तो यहाँ से अगर आपने लोन लिया दोस्तों, तो इसकी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आपका जो सिविल है वो खराब हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो है आप सेटलमेंट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने 4,000 रुपये का जो लोन लिया था, 4,000 रुपये देके मैं इनको सेटलमेंट कर सकता हूँ दोस्तों। कंपनी जो है व्हाट्सएप पे और मैसेज पे भी ऑफर देती है, या आप इनके कस्टमर केयर पे भी कॉल लगा के जो है ये ऑफर ले सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर किसी प्रकार का घर घर में जो है एजेंट भी नहीं आता दोस्तों, ना पुलिस भी नहीं आती है, ना किसी प्रकार कोई कोर्ट केस होता है। बस यही है कि दोस्तों, ये आपको जो धमकी भरे आपको मैसेज करा करेंगे, मेल करा करेंगे, बार बार जो है आपको कॉलिंग करा करेंगे दोस्तों, नए नए नंबर से मिला मिला के। तो आप अगर आपने लोन लिया आप नहीं पेमेंट कर पा रहे, तो इनके जो नंबर ब्लॉक कर सकते हैं आप दोस्तों, या फिर आप जो है नंबर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर समस्या आती है। बाकी दोस्तों, आपका सिविल ही खराब होगा, और अगर आप नहीं पेमेंट कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब आप पेमेंट करोगे तब आपका जो सिविल है सही हो जाएगा दोस्तों। अगर आप पूरा अमाउंट करोगे तो ही सही होगा, सेटलमेंट करोगे दोस्तों तो हो सकता है आपका सिविल जो है हमेशा के लिए खराब हो जाए दोस्तों। तो यही था वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताया, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।